नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। जांजगीर चांपा जिले के खस्ताहाल सड़कों को लेकर विधायक सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा जताई गई नाराजगी। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क मरम्मत कार्य गिधौरी से मोहाडी झरना मार्ग में जर्जर सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू हो गया, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल था। जब सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया, जिसमें ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच से किया। सरपंच ने सभी जन प्रतिनिधियों को फोन के माध्यम से अवगत कराया और सभी जन प्रतिनिधि तथा पूर्व शक्ति विधायक डॉक्टर खिलवान साहू द्वारा मौके पर उपस्थित होकर कार्य की जानकारी सभी इंजीनियर से लिया। सब इंजीनियर द्वारा संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई, जिससे पूर्व विधायक ने संबंधित अधिकारी से शिकायत करने की बात कहकर काम को बंद कर दिया। काम को बंद करवाया गया। जन प्रतिनिधियों द्वारा सब इंजीनियर एसआर पैकरा ने जब सड़क निर्माण के बारे में जानकारी मांगा तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जो सड़क निर्माण कार्य गिधौरी मार्ग से झरना तक सड़क मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिससे कहीं पर कार्य योजना का कोई उल्लेख है और ना ही ठेकेदार का कोई पता है, और कितनी लागत से यह सड़क बनाई जा रही है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सड़क निर्माण में कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई की है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सड़क पर ना ही प्राइम डाली जा रही है और ना ही डामर। कार्य में अनियमितता, गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसे जन प्रतिनिधियों द्वारा तत्काल बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के नियमानुसार कार्य किया जाए। सब इंजीनियर एसआर पैकरा का कहना है कि गिधौरी मार्ग से झरना मार्ग तक सड़क डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी मोटाई 20 mm और 375 चौड़ाई 3750 मीटर का डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है और कोई कमी नहीं है। कार्य सही तरह से किया जा रहा है। जांजगीर चांपा से डीएनएक्स टीवी के लिए रोशन साहू की रिपोर्ट। डामर की मात्रा इसमें बहुत कम है। इसमें मेरे जानकारी में 4.5% डामर लगता है, और जहां तक मेरा जानकारी है इसमें 2% के आसपास ही डामर लग रहा है। क्वालिटी माने ठीक नहीं है। इंजीनियर जो पैकरा जी है, PMGSY के इंजीनियर, मैं उससे बात किया हूँ तो ये ठीक है करके बोल रहा है वो। भैया, हम लोग यहाँ देखने आए हैं जो मार्ग है, अपने हिसाब से ये लग रहा है कि इसमें सही तरीक़े से मटेरियल वगैरह नहीं डला है। इसमें जो इमर्सन जो डलता है रोड पे, उसकी क्वालिटी भी सही नहीं है, और यहाँ जो मटेरियल जो डल रहा है, लगभग हम लोग देख रहे हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है अपने हिसाब से, और उखाड़ने से इजली उखड़ जा रहा है वो। अब भैया, अब हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको बोले हैं तो बोलते हैं कि भाई ऐसी रहता है मटेरियल जो है। सर, मैं इंजीनियर से नहीं बात किया हूँ। इसमें इंजीनियर से बात करने पर हमें गुणवत्ताहीन काम चल रहा है यहाँ, और संतोषजनक इंजीनियर भी जवाब दे नहीं पा रहा है, और 20 mm डालना था, मोटाई भी नहीं आ रहा है। गुणवत्ताहीन जो क्वालिटी है, गुणवत्ताहीन है। इस रोड में अभी काम तो आज ही प्रारंभ हुआ है और इसमें शिकायत ही शिकायत है। एक तो गुणवत्ता की शिकायत है, और इसमें का कौन ठेकेदार है उसका पता नहीं है। कितनी लागत से बनाई जा रही है, कितने किलोमीटर से बनाई जा रही है, किस योजना से बनाई जा रही है, ये कौन सी मार्ग की सड़क है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। काम इसमें प्रारंभ हुआ है और इसमें जो भी ठेकेदार है उसका पता नहीं है, जो SDO है, ये है, कौन है, उसका भी इसमें पता नहीं है। कितनी लागत राशि लगना है, कितने में टेंडर हुआ है, कहीं कुछ उल्लेख नहीं है। और काम प्रारंभ हो रहा है, आज ही प्रारंभ हो रहा है, और उसमें भी कोई गुणवत्ता नहीं है। इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने मुझे की और मैं इसको देखने आया था, तो वास्तव में निम्न स्तर की सड़क बनाई जा रही है, और हमने सुधारने का निर्देश जो है दिया है सब इंजीनियर को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको सुधार करेंगे करके, अगर नहीं करने की स्थिति में जो है उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करेंगे। 3750 मीटर डामरीकरण है इसमें, और बाकी CC है पुराना। इसमें का है थिकनेस तो 20 mm का है, और 375
चौड़ाई है इसका, और प्राइमर भी डल रहा है।